Hello and welcome to the class 10th online food production classes. And in this video we will start the unit number 2, that is methods of cooking from the CBSC book. And let's see the objective of this unit 2. The first objective that is given here is to identify the principles of heat transfer. Ki heat jo transfer hoti hai uske kya principles hai, kis tarah se heat ek jagah se dusri jagah transfer hoti hai. क्योंकि ज्यादातर जो कुकिंग मेथड्स हैं वो हीट मेथड यूज करते हैं. देन टू डिस्क्राइब द मॉइस्ट कुकिंग मेथड, जो मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड है मॉइस्ट का वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर. टू एक्सप्लेन द ड्राई मेथड्स ऑफ कुकिंग, कि जो कुकिंग के ड्राई मेथड्स हैं वो भी पढ़ेंगे हम. एंड टू एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कुकिंग यूजिंग मीडियम ऑफ फैट, कि जो मेथड्स ऑफ कुकिंग है हम वो मीडियम ऑफ फैट से कैसे कर सकते हैं. So let's start the topic 2.1, that is heat transfer. यानी heat एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है और वो कैसे cooking में help करती है. So all methods of cooking requires any one or more of the following principle. हम जितने भी cooking के methods के बारे में देखते हैं तो उनमें से किसी ना किसी के अंदर एक principle use होगा जो हम discuss करेंगे. The first is radiation. Heat passes through directly on the object that has to be cooked. For example, grilling. यानी food के ऊपर क्या है, heat directly क्या कर रहे हैं, हम transfer कर रहे हैं. ठीक है, जो heat है वो directly कहाँ पे जाएगा, food के ऊपर जाएगा और वो उसको cook करेगा. तो उसको हम जैसे grilling का example ले लेते हैं तो वो क्या होगा, radiation method होता है. तो रेडिएशन हीट सोर्स इन ओवन व्हेन ब्रॉयलिंग, जब ब्रॉयलिंग करते हैं तो जैसे कुकिंग विद रेडिएशन, यहां से रेडिएशन कुक करती है. ठीक है, डायरेक्ट रेडिएशन पड़ेगी जिसमें हीट बहुत ज्यादा होती है. देन सेकंड इज कंडक्शन. दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मेटल्स लाइक पैन्स एंड यूटेंसिल्स फॉर ट्रांसफरिंग द हीट टू ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग स्टेनलेस स्टील वेसल. जैसे ये सबसे कॉमन मेथड हमने देखा कि कोई भी जो पैंस हैं, तवा होता है जैसे घर में, या कोई भी बर्तन होता है, जो ज्यादातर हम बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं फूड को कुक करने के लिए. ठीक है, ये कंडक्शन, वो जो मेथड होता है वो कंडक्शन है. अब कंडक्शन क्यों बोला, क्योंकि जैसे ही हीट इस मेटल को एक पार्ट को टच करती है तो ये हीट को पूरे पार्ट में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, और फिर वही हीट अगर जो इसके अंदर जो भी कॉम्पोनेंट होगा उसमें ट्रांसफर हो जाती है. So two methods we have discussed so far, radiation and conduction. The third method is convection. So this process is the movement of the heated particle of gases or liquids. ये process क्या कहती है, कि इसमें heated particle जैसे gas के या liquid के move करते हैं. On heating the particles expand, become less dense and rise. The cooler particle take their place, for example oven. तो जैसे जैसे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कि जैसे कुछ पार्टिकल्स हैं, गैसेस हो रही हैं, तो वो पार्टिकल एक्सपेंड होते हैं और उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम है, और वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं. फिर जैसे जो कूलर पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी जगह लेना शुरू कर देते हैं, जैसे बेकिंग केक हम कर देते हैं ओवन के अंदर, वो दे रहे हैं. तो इसमें भाई ये तो लिक्विड करंट्स होते हैं, ठीक है, जो लिक्विड है वो फ्लो करेगी इसके अंदर, या एयर करंट्स होते हैं उसको हम मेथड को बोल देते हैं कुकिंग बाय कन्वेक्शन. ठीक है, करंट मतलब होता है कि फ्लो करेगा जो लिक्विड है वो हॉट वाटर, या जो एयर करंट्स होते हैं यानी गैसेज जो होते हैं गर्म गैसेज, वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट इज इंडक्शन. एंड दिस प्रोसेस इज टू कुक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज इंडक्शन स्टोव. आजकल ये सबसे ज्यादा और कॉमनली यूज होने वाला स्टोव है घरों के अंदर, जो इंडक्शन हम बोलते हैं. उस इंडक्शन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स लगी हुई होती है, जैसे हम उसे रखते हैं तो उसमें हीट जनरेट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, जो उसके यूटेंसिल्स होते हैं वो भी इंडक्शन वाले स्पेशली डिजाइन होते हैं. तो ये मैग्नेट अट्रैक्टिंग है, कुकवेयर होता है इसके अंदर. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से हम इसमें कुकिंग करते हैं. हमने अभी तक जो मेथड्स पढ़े हैं वो क्या पढ़ा है इसके अंदर, कि रेडिएशन पढ़ा है हमने हीट ट्रांसफर के मेथड में. रेडिएशन में डायरेक्ट हीट ट्रांसफर हो रही है, कंडक्शन में किसी भी यूटेंसिल को यूज करते हैं जिससे हीट कंडक्ट होती है,
कन्वेक्शन के अंदर जो हीटेड पार्टिकल या गैस लिक्विड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कुकिंग में, और इंडक्शन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता है कुकिंग करने में, जैसा एग्जांपल इंडक्शन स्टोव होता है। एंड सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 2.2 कुकिंग मेथड्स, कि अब हम कौन कौन से कुकिंग मेथड यूज करते हैं। पहले तो हमने हीटिंग के मेथड पढ़े कि हीटिंग हम कैसे करते हैं। नाउ द कुकिंग मेथड्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया कुकिंग मेथड को। फर्स्ट है मॉइस्ट हीट मेथड, देन ड्राई हीट मेथड एंड मीडियम ऑफ फैट। तो मॉइस्ट हीट में नमी होगी बहुत ज्यादा, ड्राई हीट में कोई भी नमी नहीं होती है, और मीडियम ऑफ फैट में यानी फैट में डायरेक्टली हीट किया जाता है सब्सटेंस। तो मॉइस्ट हीट मेथड्स में, इन दिस मेथड द हीट इज कंडक्टेड टू द फूड प्रोडक्ट बाय वाटर और बाय स्टीम। जो मॉइस्ट हीट मेथड में हीट कंडक्ट होगी फूड के पास में, या तो वो वाटर से होती है या स्टीम से होगी। जबकि ड्राई हीट मेथड्स में, इन दिस मेथड द हीट इज कंडक्टेड विदाउट मॉइस्चर आइदर बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग। इस मेथड में जो हीट कंडक्ट कर रहे हैं बिना मॉइस्चर के, वो किसकी हेल्प से करते हैं? हॉट एयर यूज करेंगे जैसे ओवन में, हॉट मेटल यूज करते हैं हम जैसे ग्रिल या सेलेमेंडर, एक डिवाइस होती है ग्रिलिंग का ही काम होता है उसका भी, तो डायरेक्टली ग्रिल हम कर सकते हैं हॉट मेटल का हेल्प कर, यानी उसमें मेटल को हीट करते हैं, मेटल फूड से टच करता है, वो ग्रिलिंग बोली जाती है। देन नेक्स्ट इज रेडिएशन और माइक्रोवेव में हम रेडिएशन यूज करते हैं, वो ड्राई हीट का मेथड होता है। एंड थर्ड इज मीडियम ऑफ फैट, कि फैट का मीडियम हम यूज करते हैं। इन दिस मेथड द हीट इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ फैट, जो हीट है वो फैट की हेल्प से कंडक्ट होता है। उसमें दो मेथड दे रखे हैं, शैलो फ्राइंग एंड डीप फ्राइंग। शैलो मतलब यानी कम तेल में फ्राई करना, और डीप फ्राइंग मतलब बहुत ज्यादा ऑयल्स वगैरह या फैट में फ्राई करना। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट मेथड ऑफ द हीट कुकिंग, दैट इज मॉइस्ट मेथड ऑफ हीट कुकिंग। हम मॉइस्ट मेथड यूज करते हैं, तो सबसे पहला मेथड उसमें है बॉइलिंग। ठीक है, जैसे मिल्क हम हमेशा बॉईल करते हैं, ज्यादातर उसको कुक करने का मिल्क को क्या है कि बॉइलिंग होता है। सो व्हेन द लिक्विड इज बबलिंग रैपिडली एंड व्हेन द वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 212 डिग्री फारेनहाइट एट सी लेवल, इट इज नोन एज बॉइलिंग। कि अगर लिक्विड बबल कर रही है, यानी उसमें से बबलिंग आप देखते हैं बनाते हुए, जैसा दूध है उबलता रहता है नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं उसको, वाटर बॉइल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वेजिटेबल, कि हमने वेजिटेबल को बॉइल कर लिया है, बनाने से पहले अगर हम बॉइल कर लेते हैं तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, फिर जो उसके अंदर मसाले वगैरह है वो लगाने पड़ेंगे बस। ठीक है, इसलिए फूड को हम वेजिटेबल्स को अलग से बॉइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिमरिंग, when the liquid is bubbling gently with a temperature of about 85 degree celsius to 96 degree celsius, it is known as simmering, that is making of stock। yani agar liquid bubble ho rahi hai gently temperature pe, bahut halke temperature pe humne rakha hua hai, theek hai, lagbhag 85 degree celsius se 96 degree celsius temperature rehta hai uske andar, उसे सिमरिंग कहते हैं। जैसे मेकिंग ऑफ स्टॉक, स्टॉक का बनाना सिमरिंग बोला जाता है, यानी बहुत हल्के हल्की आंच पे रख देना सिमरिंग बोलते हैं। ठीक है, द वेजिटेबल कुक इनटू द सिमरिंग वाटर फॉर 10 टू 15 मिनट्स। जो वेजिटेबल्स हैं सिमरिंग वाटर में कुक की जाती है, बहुत हल्का हल्का टेम्परेचर रहता है बस। देन द थर्ड इज पोचिंग, जो तीसरा मेथड है वो क्या है? पोचिंग है मोस्ट हीट का। When the liquid is usually in a small quantity and the temperature is about 71 degree Celsius to 82 degree Celsius and the liquid is not actually bubbling, it is called poaching. For example, poaching of fish or egg. कि जब हम क्या करते हैं कि लिक्विड बहुत कम लेते हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, और टेम्परेचर लगभग 71 डिग्री सेल्सियस टू 82 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और लिक्विड में बिल्कुल भी बबलिंग नहीं होगी, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? पोचिंग बोल देते हैं। जैसे पोचिंग ऑफ फिश या एग को अगर हमें पोच करना है तो उसके लिए हम ये पोचिंग यूज करते हैं, यानी बस टेम्परेचर का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ज्यादातर इसमें सब में वाटर ही यूज हुआ है,
सिमरिंग हो चाहे पोचिंग हो। एंड नेक्स्ट इज स्ट्यूइंग। स्ट्यूइंग दिस इज ए प्रोसेस इन विच द फूड पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय लिक्विड एंड इट इज कुक्ड इन स्लो हीट फॉर लॉन्ग टाइम। ये वो प्रोसेस है जिसमें फूड पार्टिकल को हमने पानी से घेर रखा है, पानी से घेरा हुआ है वो, और स्लो हीट पे हम बहुत लंबे समय तक रखते हैं उसको। इट इज यूजुअली सर्व्ड अलोंग विद द लिक्विड विच वाज यूज्ड फॉर स्टीविंग, फॉर एग्जांपल स्ट्यू। ठीक है, जो स्ट्यू बना लेते हैं हम उसके लिए यूज करते हैं कि ज्यादातर वो स्ट्यू के साथ में यूज किया जाता है, उसे उस प्रोसेस को स्ट्यूइंग बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर फूड के अंदर उसी लिक्विड के साथ में उसको सर्व भी किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दें कि स्लो हीट होगी लेकिन ज्यादा लंबे समय तक हम इसको रखेंगे। देन नेक्स्ट इज ब्लैंकिंग और ब्लैंचिंग। ओके, ब्लैंचिंग दिस इज द मेथड इन विच द आइटम्स आर पार्शियली कुक्ड इन वाटर। ये वो मेथड है जिसमें हम किसी भी आइटम को वाटर में पार्शियली कुक करते हैं, 100% कुकिंग नहीं होगी। दिस अनेबल्स द फूड पार्टिकल्स टू बी हाफ कुक, दैट इज ब्लेंचिंग ऑफ पोटेटोज और फ्रेंच फ्राइज। ठीक है, इसलिए ये क्या करता है कि अनेबल करता है फूड पार्टिकल को हाफ कुक बनाने में, जैसे ब्लेंचिंग ऑफ पोटेटोज, पोटेटो की ब्लेंचिंग करते हैं तो फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए। ठीक है, पार्शियल कुकिंग अगर होगी तो ब्लेंचिंग। And sixth is steaming. In this method, the food is exposed directly to steam. अगर इस method में हम food को directly steam में expose करते हैं, तो cooking an item by lightly covering the pan or by wrapping it in foil so that the food get cooked in its own moisture. For example, jacket potatoes, steamed fish. तो steaming वो process है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो cooking है item को वो उसकी अपनी हीट में हम ढक देते हैं, ढकने के बाद पूरी तरह से कवर करते हैं, जो स्टीम उसमें जनरेट होती है वो स्टीम उसको पकाने का काम करती है। ठीक है, स्टीमर्स कैन बी यूज फॉर कुकिंग, राइस बनाने के लिए यूज करते हैं, दाल दैट होल्ड्स द स्टीम अंडर प्रेशर, दाल बनाने के लिए जो स्टीम अंडर प्रेशर जैसे कुकर में यूज करते हैं हम। द टेम्परेचर वेरिंग फ्रॉम 106 टू 121 डिग्री सेल्सियस and this method is widely used and it minimizes the dissolving away of nutrient. इस method को हम इसीलिए use करते हैं कि ज्यादातर ताकि जो nutrients हैं वो dissolve होके बाहर ना चले जाएं। Then comes the braising. Braising आता है कि this is a combination of two method, steaming and pot roasting. ये दो method use करते हैं, इसमें एक तो steaming होता है और दूसरा pot roasting होती है। The food particles is browned in fat. The food particle है उसे fat में brown करते हैं and then place in small amount of liquid और उसके बाद उसे liquid में रख देते हैं. And the liquid is served along with the meat, for example, Irish stew. ठीक है, और जो liquid है उसे हम meat के साथ serve करते हैं, जैसे shawarma या korma बना लेते हैं, वो चीजें आती हैं इसके अंदर। उस process को हम क्या बोलते हैं? Braising. और ये सभी methods से हमारे किसके moist heat. That's all for this video. In our next video, we will discuss, or in next class, dry method of cooking. Well, thank you for watching this video.